Welcome to the ancient city of Mandu, where history comes alive in its architectural marvels and nature unfolds its true beauty. Join us on a mesmerizing journey through time as we explore the treasures of this hidden destination in the heart of India. We have come to Mandu, and the most famous of the architectural building over here is the Jahaz Mahal, which was built by Ghiyasuddin Khilji. Our first stop is the Jahaz Mahal that appears to float on the surface of our lake. It was once a pleasure cruise of the sultans. Today, it serves as a testament to Mandu's royal legacy and offers breathtaking views of its surroundings. बारिश के टाइम में छत का पानी यहाँ आ जाए, ओवरफ्लो होकर पानी यहाँ से बाहर, दिन यहाँ कपड़ा यूज में लेंगे पानी को छानने के लिए, और कपड़े से पानी छन कर नीचे एक वेल है, कुआं है कि पानी उस वेल में जाए, तो ऐसा फील होता है कि हम जहाज में खड़े हैं। मांडू में जो आर्किटेक्चर है, जो कल्चर है, वो इंडो सैरासेनिक है। यहाँ की स्मारकों में आपको इस्लामी, इंडियन और ग्रीक, रोमन ये पूरा मिक्स मिलेगा। ये जो पॉइंटेड आर्च आप जो देख रहे हैं, क्योंकि इस्लामिक आर्च अक्सर ही देखा गया है कि वो इस टाइप से बना होता है। इंडियन जो होता है वो ट्राइंगल होता है, बाकी जो रोमन होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है और पॉइंटेड होता है। रोम में, फ्रांस में जो ओल्ड टाइम के चर्च बने हैं वो इन्हीं काइंड ऑफ मेहराबों में ही, आर्च में बने हैं। जैसे सामने हिंडोला महल जो आप देख रहे हैं, उसके चारों साइड में ऐसी स्लोपिंग वॉल बनी है जो कि एंटी अर्थक्वेक के हिसाब से बनाया था, जो हजारों साल पहले उन लोगों ने रोम में जो चर्च बने थे उनमें इस टाइप से फ्लाइंग बट्रेस वॉल को बिल्ड किया गया था। और मांडू किले का जो वॉल है वो 72 किलोमीटर का है, मतलब कि मांडू जो है सेकेंड लार्जेस्ट फोर्ट है इंडिया में, पहला है कुंभलगढ़, दूसरा है मांडू। मालवा जो है ना, ये मध्य प्रदेश का वेस्टर्न एरिया है। अच्छा। एंड मांडू वाज द कैपिटल ऑफ ओवर मालवा प्लेटू। मालवा नाम आया है मालव से। 375 BC के अराउंड में ये लोग बिलोंग करते थे पंजाब से, क्योंकि एक मालवा दक्षिणी पंजाब में भी है, लेकिन सिकंदर के टाइम में ये लोग उनसे डिफीट होकर यहाँ आ गए और अपने नाम से नाम दिया मालवा। तो जो मालवा जो नाम आया है ये मालव के नाम से आया है, जो कि बिफोर क्राइस्ट मालव जो ये जनजाति जो थी ये पंजाब से बिलोंग करती थी। 600 ईयर्स ओल्ड फिल्टर सिस्टम है, यू कैन सी सो मेनी फिल्टर हियर, एंड एवरी वन इज द कनेक्टेड। लुक एट द हॉल इज देयर, आप सभी में देखिए आपको नजर आएंगे, देख रहे हैं इनमें सभी में अलग अलग एलिमेंट डाले जाएंगे, किसी में लाइम, किसी में सैंड, किसी में चारकोल, किसी में एलम, किसी में एंथ्रासाइट और बिटुमिन, कार्बन के ग्रेवल होते हैं। इसमें वाटर इनलेट सामने है, कैन यू सी वन चैनल इन द मिडिल, आपको एक चैनल नजर आएगा। वॉल पर एक्वाडक्ट बना है, राइट में लेक बना है। लेक का जो पानी है वो प्रशियन व्हील, जो उस समय डिस्कल था, लिफ्ट फ्रॉम देयर बाय द ग्रेविटी, पानी फ्लो होकर वहां से वेलकम डाउन नीचे आ जाएगा। देन उसके बाद में सर जो व्हील चलता रहेगा तो नेचुरली प्रेशर व्हील जनरेट होता रहेगा, और उसी प्रेशर से पानी कंटिन्यू फ्लो होगा, पास ऑन करेगा, कभी एलम में, कभी कॉल में, कभी एंथ्रासाइड में, और फिल्टर होकर पानी जाएगा सेंटर में। फिल्टर वाटर विल गो इनटू द टैंक
और वहीं से एक पानी का चैनल और दिया है एंड चैनल स्टार्ट फ्रॉम देयर और वो एंड होता है उस वेल में, तो पूरा पानी यहाँ से फिल्टर होकर ये जो सामने वेल आप जो देख रहे हैं उसमें पीने के लिए। बिकॉज वो जो वेल है जीरो लेवल से 15 मीटर है और ये सिस्टम जीरो लेवल से ओनली 5 मीटर है। कैन यू सी कि ये सिस्टम काफी हाइट में है, वेल इज वेरी डाउन के बाय द ग्रेविटी पानी उस वेल में पीने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें ये मिली है कि ये वेल 14 और 15 मीटर इसकी डेप्थ है, गहराई है, लेकिन इस वेल में मैक्सिमम पानी का जो लेवल है सर वो 4 मीटर है और 4 मीटर के बाद में वन एग्जिट फ्रॉम देयर के अगर उससे पानी ओवर होता है, अगेन पानी एग्जिट होकर लेक में, लेक से फाउंटेन में, फाउंटेन से लेक में, लेक से आरओ में, इस टाइप से पूरा पानी सर्कुलेट होता रहेगा। इसका रीज़न ये है 10 मीटर एम्प्टी रखने का कि ये जो वेल है इसे अटैच किया है हेरम की -1 और -2 से, बाल्टी से खींचा, पुल किया एंड पुट डाउन। सो देखिए वहाँ एक पानी का टैंक है, सो खींचा और वहाँ डाला, पुल डाउन और वहीं से पानी फ्लो होकर विल बी हियर। इफ अगर पानी में कचरा है, पानी में इंसेक्ट है, स्मेल है, इससे फिल्टर होगा इधर, दैट्स ऑल स्टॉप हियर। दो बार फिल्टर, एक बार तालाब का बाइकार्बन और ये प्रोसेस पीने के जस्ट पहले का था। वो जो आर्च आप देख रहे हैं सामने सर, ये पहले ओपन था और इसी का कनेक्शन दिया है हेरम के -1 और -2 से। इसे झूला महल इसलिए कहते हैं कि इसका लुक झूले के फ्रेम के जैसा है। महाराष्ट्र में, राजस्थान में झूले को हिंडोला कहते हैं क्योंकि ये जो पत्थर है ये केम फ्रॉम राजस्थान, धौलपुर का है ये जो सैंडस्टोन। ये महल 70% रोमन ग्रीक कल्चर में आर्च में बने हैं। इसे गॉथिक कहा जाता है, मुंबई में भी है क्योंकि गॉथ एक ट्राइब्स हुआ था 11th सेंचुरी में फ्रांस में, देन बिकम इंग्लैंड और अराउंड 15th सेंचुरी केम इन इंडिया। 14th-15th सेंचुरी में मालवा का दीवानी खास रहा था, दीवाने खास, इट वॉज द हाई असेंबली ऑफ मालवा प्लाटू। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन हो कि वेयर इज दीवाने आम, तो उस समय दीवाने आम की प्रथा नहीं थी क्योंकि दीवाने आम स्टार्टेड बाय अकबर। झूठ नहीं बोलना। ओ यारा। We are going to underground chamber. आप दाने माफ़। हाँ काफी ठंडा है। ये भी हमाम था फॉर द बैदिंग। ये टॉयलेट है, वी फाउंड ओनली 7, लेकिन ये बताते हैं कि ये हर फ्लोर पर था। शाही हमाम है, दिस इज द फायर प्लेस, फायर यहाँ, बर्तन यहाँ और पानी में से जो स्टीम जो भाप निकलेगा सर वो यहाँ से अंदर, बिकॉज ये पूरा हॉलो है। चंपा बावड़ी है बिकॉज इसका जो लुक है वो चंपे की फ्लावर के जैसा है। ये भी 15 मीटर है लेकिन मैक्सिमम लेवल इसमें 4 मीटर है क्योंकि पैसेज बने हैं हेरम के -2 से आने के लिए। इस पर एक पहले छत रहा था जो पूरा स्लोप रहा था, यहाँ एक पानी का टैंक रहा था कि बारिश के टाइम में छत के पानी को यहाँ कलेक्ट किया जाएगा और फिर इसमें एंथ्रासाइड और बीटूमीन जो कार्बन के ग्रेवल होते हैं वो डालेंगे
और यहीं से पानी फिल्टर होकर चैनल के माध्यम से अगेन इस वेल में पीने के लिए, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं।